हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बैंक एग्जाम टुडे के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमें ये बताता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 54 हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल 58 हमें प्रेसिडेंट बनने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं उसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 61 हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के प्रोसीजर के बारे में बताता है। तो ये हैं चार आर्टिकल्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इन्हें आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। तो याद रखिएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया के प्रेसिडेंट दो बार रह चुके हैं। नेक्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहली और इकलौती वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी। तो याद रखिएगा, पहली और इकलौती वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी प्रतिभा पाटिल और ये 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। इसके अलावा आपको करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं प्रणब मुखर्जी और ये 13th प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसे हम क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं जो कि रायसेना हिल्स नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 58 के बारे में। आर्टिकल 58 हमें प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं उसके बारे में बताता है। कोई भी व्यक्ति इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वो इंडिया का सिटीजन हो, उसकी उम्र 35 साल या उससे ज्यादा हो, वो क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए और वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर होता है किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट का, तो उसे अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़नी पड़ती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जो आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म कितने साल का होता है। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म 5 साल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि इंडिया में एक व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो याद रखिएगा, इंडिया में एक व्यक्ति जितनी चाहे उतनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का टर्म 4 साल होता है। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म होता है 5 साल और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का टर्म होता है 4 साल। आप लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेंटली प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं और एक नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और इस टॉपिक से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बताऊंगा इस इवेंट से रिलेटेड, जिससे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पुराने प्रेसिडेंट का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स के पुराने प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा और ये 2009 से लेके 2017 तक यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। ये 44th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। यूनाइटेड स्टेट्स में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और
रिपब्लिक और बराक ओबामा जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। नेक्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट कौन हैं। तो याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45th प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के और ये रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी ओपोनेंट यानी कि जिनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे वो हैं हिलरी क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रह चुकी हैं। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो आप लोगों को याद रखनी है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की। तो याद रखिएगा नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं माइक पेंस। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है। याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जगदीश सिंह केहर। इसके अलावा आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। इसके अलावा अगर कभी प्रेसिडेंट बीमार होते हैं या वो कंट्री के बाहर होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरीके से और अगर कभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सेंट होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के तरीके से। ऐसी सिचुएशन इंडिया में सिर्फ एक ही बार हुई जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अचानक से हो गई और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 54 के बारे में। आर्टिकल 54 हमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोल कॉलेज के द्वारा बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनडायरेक्टली इलेक्टेड हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आम जनता वोट नहीं करती सिर्फ इलेक्ट्रोल कॉलेज ही वोट करता है और ये वोटिंग सीक्रेट बैलेट द्वारा की जाती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रोल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्ट्रोल कॉलेज में दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा इसमें सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के ही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहली प्रिविलेज ये है कि प्रेसिडेंट को कभी भी अरेस्ट या उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती जब तक वो पावर में होते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने कोई भी फंक्शन के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं होते और प्रेसिडेंट को किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता जब तक वो पावर में है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट की जो आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट पावर्स के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट और रिमूव करता है हाई डिग्निटरीज को। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स बताऊंगा जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को। याद रखिएगा करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हैं डेविड आर सिमले, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं मुकुल रोहतगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं शशिकांत शर्मा, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नाजिम जैदी, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस लैंग्वेज एंड माइनॉरिटीज कमीशन को और मेंबर ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल को। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाई डिग्निटरीज जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मिलिट्री पावर्स के बारे में। याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
अपॉइंट करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ को। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल सुनील लंबा और करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ। ये तीन अपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं या पीस कंक्लूड कर सकते हैं ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर्स प्रेसिडेंट के जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं बैठते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम पार्लियामेंट का पार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी बिल्स पार्लियामेंट में पास होते हैं वो लॉ तभी बनते हैं जब प्रेसिडेंट उन पर अपना साइन करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन और प्रोरोग कर सकते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को भी बुलाते हैं जिसे प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स राज्यसभा में जिनका एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स या सोशल सर्विस में। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि एक बिल लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। याद रखिएगा मनी बिल्स पार्लियामेंट में बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। इसके अलावा प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पर। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया डिजास्टर और इमरजेंसी में यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स के बारे में। देखिए 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक नहीं लगी। याद रखिएगा आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो ये हैं 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 352 के बारे में। आर्टिकल 352 हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन की सिचुएशन होती है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का टर्म मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और नेशनल इमरजेंसी के दौरान बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। 6 फ्रीडम्स जो राइट टू फ्रीडम के अंदर होते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिए जाते हैं लेकिन राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किए जाते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आप लोगों को याद रखना है। याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लग चुकी है। सबसे पहले लगी थी 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान, 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान और 1975 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 360 के बारे में। आर्टिकल 360 हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटेंड है। इस सिचुएशन में
प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी को पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है 2 महीने के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की सैलरी कम कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 356 के बारे में। आर्टिकल 356 हमें स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है। स्टेट इमरजेंसी एक स्टेट में तभी लगाई जा सकती है जब उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। वैसे तो इंडिया में सभी स्टेट में कभी ना कभी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अभी तक स्टेट इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाई गई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आप लोगों को याद रखना है। स्टेट इमरजेंसी लगाने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट के गवर्नर से एक रिपोर्ट मांगते हैं। इस रिपोर्ट में गवर्नर ये बताता है कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फॉलो हो रही है कि नहीं। अगर ये पाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का वॉयलेशन हो रहा है तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। स्टेट इमरजेंसी को पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है 2 महीने के अंदर अंदर। और अगर स्टेट इमरजेंसी पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाती है तो उस स्टेट में 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल रहता है और मैक्सिमम 3 साल तक उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल रह सकता है। स्टेट इमरजेंसी के दौरान जितना भी एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो प्रेसिडेंट खुद कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेट इमरजेंसी के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जुडिशियल पावर्स के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है पार्डन ग्रांट करने की, रिप्रीव करने की, रिमिट करने की और कम्यूट करने की डेथ सेंटेंसेस को। पार्डन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अब्सॉल्व करना और उसे बरी करना। कम्यूटेशन का मतलब होता है पनिशमेंट का टाइप को चेंज करना, फॉर एग्जाम्पल डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके लाइफ सेंटेंस करना। रिस्पाइट का मतलब होता है पनिशमेंट की डिग्री और क्वांटम चेंज करना, लेकिन ये सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में होता है जैसे कि प्रेगनेंसी और मेंटल कंडीशन। और रेमिशन का मतलब होता है पनिशमेंट का क्वांटम चेंज करना बिना उस पनिशमेंट का नेचर चेंज करे हुए। फॉर एग्जाम्पल 20 साल की इम्प्रिजनमेंट को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट करना। यहाँ पर सिर्फ टाइम चेंज हुआ है लेकिन नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं हुई है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स प्रेसिडेंट के जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जाता है। आर्टिकल 61 हमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के प्रोसीजर के बारे में बताता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच तभी किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है और कोई भी इंडियन प्रेसिडेंट को अभी तक इम्पीच नहीं किया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।